see, I hope you can show me. If you wanna go, if you're leaving, baby, let me down slowly. But the heart's a lie. हेलो दोस्तों, आपने जो स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा, इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ट्रेंड पे चला है। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाकर किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। इस तरह का रील्स वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह का रील्स वीडियो बनाने के लिए आपको ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है VN ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करना है। जैसे आप VN ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप VN ऐप को ओपन कर लें, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करें, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको 9 सेकंड का वीडियो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आप एक कलर का वाटर मार्क दीजिएगा, आपको इसे डिलीट कर लेना है। जैसे आप डिलीट करें, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करें, उसके बाद आपको वीडियो फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो फोटो पे क्लिक करें, उसके बाद आपको एक वीडियो सिलेक्ट करना है, जिस वीडियो पर आप रील्स वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दोनों वीडियो के बीच में आपको प्लस दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करें, उसके बाद आपको जूम पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप जूम पे क्लिक करें, उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दूसरे वीडियो पर आ जाना। दूसरे वीडियो पे आने के बाद आपको दूसरे वीडियो पर आ जाना है। जैसे आप दूसरे वीडियो पर आ जाएंगे, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जूम इन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जूम इन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट में कर लेना है। फर्स्ट में करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करें। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद आपको कीबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इमोजी लगा लेना है। यहाँ से मैं इमोजी सिलेक्ट करता हूँ, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इमोजी को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर की साइड में रख लेना है, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। मैं ऊपर लगा देता हूँ। जैसे आप ऊपर लगा लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट तक कर लेना है। जैसे आप लास्ट तक कर लेंगे, उसके बाद आपको म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करना है। जैसे आप टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, आपको म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप म्यूजिक पे क्लिक करें, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको स्ट्रैक फॉर्म वीडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्ट्रैक फॉर्म वीडियो पे क्लिक करें, उसके बाद आपको रील्स वीडियो में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ जगह डाउनलोड करें। जैसे आप डाउनलोड करें, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करें, कुछ टाइम प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका वीडियो म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका वीडियो म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आपको चूज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चूज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो बन जाएगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। वीडियो प्ले स्क्रीन है तो आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको टिकटॉक रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप टिकटॉक रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको स्पोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो स्पोर्ट होने लगेगा। जैसे आपको वीडियो 100% स्पोर्ट हो जाए, उसके बाद आपको सेव टू एल्बम पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव टू एल्बम पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।